इसे डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, मुझे लगता है कि दिखा देना चाहिए। बस कीजिए आप लोग, बात को कहां से कहां ले जा रहे हैं आप लोग। ये छोटी सी बात तुम्हारी मोटी सी बुद्धि में क्यों नहीं घुसती है? आपका क्या भरोसा मामा जी, आपकी बहन ने तो आप पे भरोसा किया था और उसका नतीजा हम देख चुके हैं। मैं तुम्हारी धमकियों से ना डरने वाली नहीं, और किसी भी कीमत पर मैं ये पुलिस कंप्लेन वापस नहीं लूं, समझे तुम? ओढ़नी ओढ़ू ने उड़ी उड़ी जाए, ओढ़नी ओढ़। मतलब इस घर में चाहे भूकंप आ जाए लेकिन तुम्हारा सजना समरना बंद नहीं हो सकता। अरे भूकंप तो इस घर में रोज आते, उसके लिए मैं अपना खून क्यों जलाऊं? अरे भाई, मैं तो तैयारी कर रही हूँ मिस्टर केतकीनाथ बनने की। मिसेस केतकीनाथ होता है, और ये देखो इसको, इतना आसान नहीं है मिसेस केतकीनाथ बनना। और वो बिंदिया, बिंदिया तो मेरे पीछे नागिन की तरह फन फैला के पड़ी हुई है कि कब सही मौका देखे और मुझे डस ले और मैं नीरा पड़ के झाग फेंक के मर जाऊं। नहीं 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 नहीं, सतर्क रहना पड़ेगा, उससे बचने के लिए सतर्क रहना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे? इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मैं कैसे पूरे घर में घूम घूम के कोने कोने से तुम लोगों के लिए खबर लाता हूँ। वैसे तुम लोगों को भी इस पूरे घर पे नजर रखनी पड़ेगी और मेरे लिए खबर लानी पड़ेगी। अच्छा, तो आज कौन सी खबर लेकर आए हैं आप? आज मैं तुमको जो सुनाने जा रहा हूँ वो ब्रेकिंग न्यूज है। अब आप सुनेंगे शंभूनाथ की आवाज में 0.0 शंभू FM पर ब्रेकिंग खबरें। तुम तो गीधड़ से भी गए गुजरे हो, तुम्हें हिम्मत नहीं है शेरों की तरह सामने आकर डट कर सामना करने की, छुप छुप कर वार करते हो, कैसे इंसान हो तुम? अरे हिम्मत है तो सामने आओ। ठीक है मैडम, आज तुम्हें मेरी ताकत का सबूत मिल जाएगा, वो भी आमने सामने। तो ठीक है, बताओ कहाँ मिलना है। वो तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, और हाँ, अकेली आना। अगर कोई चालाकी करने की कोशिश की ना मैडम, तो तुम्हारे करीबी इंसान का वो हाल करूंगा कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। हाँ हाँ जरूर, अकेले ही आऊंगी। ऐसे भी तुमने तो खुद ही कहा है कि तुम तो सिर्फ एक मोहरे हो, राजा तो कोई और है, और प्यादों के सामने आने से क्या डर है? इसका मतलब आप अवंतिका को फोन नहीं कर रहे थे? हाँ, और तुम उस बेवकूफ बिंदिया की तरह मेरे पे शक कर रही थी। अरे शक तो होगा ही ना, आप हो ही इतने शातिर, पता नहीं कब कौन सी खिचड़ी पका रहे हो। मुझे लगा कि आप कोई लंबी चाल चल रहे होंगे, आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। बाजार में इतने सारे सेल लगे हैं, साड़ी की जगह थोड़ी अकल खरीद लाती। देखिए, अब जब देखो तब मेरी अकल को कोसते रहते हैं। और नहीं तो क्या तुम्हारे अकल की आरती उतारूं? अरे मैं बस इतना कह रहा हूँ कि मैं गलत समय में गलत जगह पे मौजूद था और गलत बात का गलत जवाब दे दिया, इसी बात को वो बिंदिया पकड़ के मेरे पे शक कर रही, और अब तुम। अरे मैं वो नहीं हूँ, वो कोई और है, कोई और है जो अवंतिका के जरिए सिद्धार्थ पर निशाना लगा रहा है। तो वो है कौन? आज सिद्धार्थ और अवंतिका का पीछा करके पता चलेगा कि हमारा दुश्मन कौन है। अरे पर वो हमारा दुश्मन कैसे हुआ? अरे हमारा ही हुआ ना, इसीलिए कह रहा था कि बाजार से थोड़ी अकल ले आती, भले वो पीले रंग की होती। अरे हमारा ही दुश्मन हुआ ना, हमारे जमाए हुए खेल में कोई टांग अड़ाएगा तो हमारा दुश्मन ही हुआ ना। हाँ वो तो है, आज पता चलेगा वो मनहूस आदमी कौन है। चमड़ी ना उधेड़ दी ना मैंने उस रहस्यमय इंसान की, तो मेरा नाम भी शंभूनाथ। मेरी से बात हुई। एक्सक्यूज मी सर, आपने बुलाया? जी आइए दिवाकर जी, आइए जी, बैठिए जी। थैंक यू। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कंपनी का काम कई कंपनियों के अकाउंट्स देखना है जी, और उसके लिए हमारी कंपनी सब कंपनियों से मिलने जाते हैं। कम से कम 100 लोगों से वो मिलते हैं, यानी कि 100 कंपनियों से मिलते हैं, और मुश्किल से 4-5 कंपनियां ही नई हमारे साथ जुड़ पाती हैं जी। ये सारा काम तो अभी तक मिस्टर मोहित देख रहे थे, और अब मैं चाहता हूं कि ये जिम्मेदारी आप। सर ये एक्स्ट्रा बोल दिवाकर जी पर क्यों डाल रहे आप? ये काम मैं संभाल लूंगा, पहले भी तो संभालता आया हूं। दिवाकर जी एक्सपीरियंस्ड है,
हमारी कंपनी को फायदा ही होगा। ये उस बिजनेस के लोगों अच्छी तरह जानते हैं, वो ज्यादा लोगों को इंप्रेस कर पाएंगे और हमारी कंपनी ज्यादा बिजनेस कमाएगी। पर सर ये बुजुर्ग है, इस उम्र में इतनी भागदौड़ नहीं कर पाएंगे। दिवाकर जी आपको क्या लगता है कि आप ये जिम्मेदारी संभाल सकते हैं या नहीं? जी मुझे जो जिम्मेदारी दी जाएगी मैं उसे पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा। सर ये कह रहे हैं लेकिन आप सोच लीजिए, क्योंकि इनके पास अकाउंट्स का पहले ही बहुत काम है, और फिर अगर इस उम्र में इतना काम करेंगे तो आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। मिस्टर मोहित, मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ हूं कि मैं वो काम ना कर सकूं जो एक जवान लड़का कर सकता है। कम से कम कोशिश तो जरूर कर सकता हूं। मोहित जैसे वो तुम्हारे काम में तुम्हारा हाथ बटा रहे, उनके अकाउंट के काम में तुम उनका हाथ बटा दो। ओके सर। अगर ये बुड्ढा मेरे साथ चिपक गया तो मेरे उस कमीशन का क्या होगा जो मैं जगह जगह से लेता हूं? मुझे कुछ भी करके इस बुड्ढे को अपने गले की हड्डी बनने से रोकना ही होगा। एक मिनट यहां बैठो, बैठ। देखो अब तो सिद्धार्थ को भी भरोसा हो गया कि अवंतिका को जो धमकी भरे फोन आ रहे हैं वो सही है, तो तुम क्यों नहीं इस बात पे विश्वास कर रहे? मेरे विश्वास करने में या ना करने में क्या फर्क पड़ता है? सबने तो विश्वास कर लिया है ना, खास तौर पर आपने। अरे भाई मैं ये कब कह रहा था, मैं तो ये सोच रहा था अगर अवंतिका सच बोल रही है तो इसका मतलब ये है कि हम अपने सिद्धार्थ की जान खतरे में डाल रहे हैं और उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ इसलिए कि हम उसके सच को मान नहीं रहे। तो इसका कारण मैं हूँ, उसके जाल में मैं फंसने को तैयार नहीं हूँ, है ना? पर भी ये किसने कहा, मैं तो ये सोच रहा। तो आपको क्या लगता है कि मैं अवंतिका की दुश्मन हूँ? वैसे भी हमारे समाज में सास बहू में बैर माना जाता है, आप भूल गए वो थे जब अवंतिका इस घर में बहू बन के आई थी? कितने सपने देखे थे हमने उसके, उसे ये महसूस ही नहीं होने दिया कि वो हमारी बेटी नहीं है। अब से ये घर तुम्हारा है। कोई भी लड़के जब किसी घर में बहू बनकर जाते हैं ना तो वो घर उसका हो जाता है। अब से इस घर की मान मर्यादा, मान सम्मान की सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी है। हर बेटे की माँ यही आस लगाई रहती है कि एक दिन उसके घर में बहू आएगी और उसे अपनी सारी जिम्मेदारियां सौंपकर चैन की नींद सो पाएगी। सच बहू, आज मेरा ये सपना पूरा हो गया है। मैं हमेशा सोचती थी पता नहीं मेरे बेटे के लिए बहू कैसे मिलेगी, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे सिद्धार्थ के लिए तुमसे अच्छे जीवन साथी तो हो ही नहीं सकते, इसीलिए आंख बंद करके इस रिश्ते के लिए हमने हाँ कर दी। अरे माँ, आंख बंद करके नहीं, सोच समझ कर हाँ कर दिए, ये कहिए क्योंकि भाभी हमें इस लायक लगी। हाँ हाँ वही बात है, कैसे प्यार और अपनेपन से रहते थे, ना उसने हमें कभी पराया समझा और ना हमने। वो तुम्हारे हाथ का खाना खाके मजा आ गया, इतना स्वादिष्ट खाना तुमने बनाया कि मैंने इतना खाना कभी नहीं खाया। सचमुच दाद, मुझे तो पता ही नहीं था कि भाभी इतना टेस्टी खाना बनाती होगी। सोचने वाली बात यह है कि थक हार कर तो लौटे वहां से,
फिर भी जिद करके अपने हाथों से खाना बनाया। क्या बात है। लेकिन इस प्यार और अपनेपन का सिला क्या दिया उसने? हम लोगों को कोर्ट में घसीट लिया, हमारे परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया उसने। शारदा, कोर्ट में उसने नहीं, हमने उसे घसीटा है। और ये जो तमाम बातें हमारे खानदान के बारे में सुननी पड़ी ना, उसकी वजह हमारा वकील था, क्योंकि उससे ऐसे सवाल पूछ रहा था जिसका जवाब तो अवंतिका को देना पड़ेगा ना। क्या क्या बोलते हैं? अचानक अवंतिका आपको सीता का अवतार दिखने लगी है? शारदा, मैं सच कह रहा हूँ, कुछ दिन पहले की बातें याद करो तो तुम्हें सब याद आ जाएगा। हमने अपने मन में उसके बारे में गलत भावना पैदा कर ली थी, अब वक्त आ गया कि उस गलत भावना को हम दिमाग से निकाल दें, आंखों पे पड़ी पट्टी को खोल दें, ताकि हम सच देख सकें। बस कीजिए, आप अपना सच अपने पास ही रखिए। आपको क्या लगता है, अवंतिका बहुत भोली है, सीधी है, सच्ची है? अरे मैं बुरी हूं ना, मैं नहीं चाहती कि इस घर में शांति बनी रहे। मैं चाहती हूँ कि उसे टेंशन हो, उसके पेट में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचे, बस इतना ही ना। शारदा, मैंने ऐसा कब कहा है? मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उसे किसी बात की तकलीफ ना हो, वो खुश रहे। उसे पैसों की जरूरत पड़ी तो मैंने 1,00,000 रुपए निकाल के दे दी उसके बिना मांगे, लेकिन वो हर रोज कोई नया कलेश करती है, उससे देखकर मेरी रूह कांप उठती है। उसका भोला भाला चेहरा, उसके आंसू देखकर आपको लगता है कि वो सच्ची सीधी है, लेकिन नहीं, ये सारे नाटक के पीछे सिर्फ छल है, धोखा है, फरेब है। मुझे तो लगता है कि धमकियों भरे फोन वाली बात उसी फरेब का एक हिस्सा है। कुछ फरेब नहीं है। मैंने ऐसा फोन आते हुए देखा, इनफैक्ट अभी अवंतिका उसी इंसान से बात कर रही है। क्यों, कैसा लगा ये ट्रेलर? अभी तुम्हारी बोलती बंद हो गई। जरा सोचो कि भाई दहशत से तुम्हारी जान निकल गई। अगर हकीकत में ऐसा होता तो इसीलिए बोलता हूँ कि हमारे खिलाफ जो पुलिस कंप्लेंट की है उसको वापिस ले। इसका मतलब ये हो कि बेटा बहुत बड़ी गलती कर रहे थे अवंतिका की बात पे भरोसा ना करके। लेकिन वो आदमी कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है। मेरा कोई ऐसा दुश्मन जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता, पर ऐसा भी हो सकता है मम्मा, जो हमारे घर में पिछले कुछ दिनों से हलचल हो रही है उसके पीछे भी इसी का हाथ। खैर जो भी है, वो आज हमारे सामने आ ही जाएगा। बेटा हमें चौकन्ना रहना होगा, ऐसा आदमी खतरनाक भी हो सकता है। हम लोग सावधान रहेंगे पापा, ये हमारे बच्चे की सेफ्टी का भी सवाल है। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, इसमें पुलिस हमारे साथ है। लेकिन डैड मॉम प्लीज इस बारे में किसी और को पता ना चले। सवाल ही नहीं पैदा होता। अरे रवि राय जी, थोड़ा पानी पिलाना जरा। ठीक है सर जी, अभी लाए। थैंक यू। अंकल, क्या मैं आपको अंकल बोल सकता हूँ? अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं कह सकते। अंकल मैं आपसे माफी मांगने आया था। किस बात की? वो क्या है ना, मैंने आपकी उम्र के बारे में कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर दी। अरे बेटा वो बात तो मैं कब की भूल चुका हूँ, वैसे भी इन बातों का मैं बुरा मानता ही नहीं। वो क्या है ना अंकल, मेरा स्वभाव ऐसा ही है, मैं जहां भी कुछ गलत देखता हूँ ना, मुझसे चुप रहा ही नहीं जाता। ये अपने बॉस को ले ली, वैसे तो बहुत सीधे आदमी,
लेकिन नए लोगों का शोषण करने की कोशिश करते हैं। Really? जी अंकल, अब देखिए ना, आपको दे देना फालतू काम। मुझे भी इनके पीछे पीछे बुल्लर गार्डन जाना ही पड़ेगा। देखो तो सही वहाँ क्या चल रहा है। लेकिन वहाँ तो बहुत खतरा होगा। अरे कितना भी खतरा हो, जाना तो पड़ेगा। धक्के खाइए, ऑफिस ऑफिस जाइए, लोगों से मिलिए, कन्विंस कीजिए। आपको उसी वक्त ना बोल देना चाहिए। और मुझे लगा आप नए हैं, बोलने में हिचक रहे हैं, तो मैंने मना कर दिया। मैं बोलने में नहीं हिचकता, मुझे तो सब अच्छे लगते हैं। आप समझ ही नहीं रहे अंकल। अब जैसे आपने अभी ये जिम्मेदारी ले ली, तो कल को आपके ऊपर कोई और फालतू काम का बोझ डाल देंगे। हर मालिक की कोशिश यही होती है कि एक आदमी की तनख्वाह में तीन आदमी का काम करा ले। लेकिन मुझे मालिक भले लगते हैं। क्योंकि आप खुद भले इंसान हैं अंकल, इसलिए आपको हर कोई भला नजर आता है। लेकिन ऐसा है नहीं। अभी से इस फालतू काम को ना बोल दीजिए, वरना ये सब आपके जी का जंजाल बन जाएगा। अभी तो मुझे कुछ ऐसा लगता नहीं, जब होगा तब देख लेंगे। ठीक है अंकल, जैसी आपकी मर्जी। मैं तो आपके भले की ही कह रहा था, मेरा तो इसमें कोई फायदा है नहीं। आई नो, थैंक यू। सोचिएगा जरूर अंकल, क्योंकि अभी तो आप सिर्फ दिन में काम कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो आपको रात को भी यहां पर आकर काम करना पड़े। अच्छा अंकल, चलता हूं। थैंक यू। इस बारे में किसी को बताया तो नहीं? नहीं, नहीं बताया। अच्छा क्या? मैं सिर्फ मॉम डैड को बताया, क्योंकि बाकी किसी को बता के कोई फायदा नहीं है। सिद्धार्थ। हेलो। ठीक है। क्या कहा उसने? 45 मिनट में बुलर गार्डन बुलाया है। अब प्लान ये है कि हम लोग यहाँ से निकलते ही दोनों अलग अलग हो जाएंगे। इंस्पेक्टर शर्मा अपनी पूरी टीम के साथ हमारा इंतजार कर रहे हैं, मैं उन्हें फोन करके इत्तला कर देता हूँ। तुम चिंता मत करना, जैसे ही वो तुम्हारे पास आएगा, तुमसे बात करने की कोशिश करेगा, हम उसे दबोच लेंगे। लेट्स गो। अवंतिका, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओके, पीछे पीछे बुल्लर गार्डन जाना ही पड़ेगा। देखो तो सही वहाँ क्या चल रहा है। लेकिन वहाँ तो बहुत खतरा होगा। अरे कितना भी खतरा हो, जाना तो पड़ेगा। मामा खतरा उठाकर भी वहाँ जाने से बाज नहीं आ रहे। जरूर दाल में कुछ खा। हमें भी वहाँ चलकर देखना चाहिए कि मामला क्या है। यहाँ के ट्रैफिक पर पता नहीं किधर गायब हो गए ये दोनों। कहाँ ढूंढूं उन्हें, तो यहीं कहीं चाहिए।
ये इन लोगों को ऐसी जगह पर मिलना जरूरी था क्या? किसी छोटी जगह पर नहीं मिल सकते जहां मैंने ढूंढ सकता था। क्यों, अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि तुम्हारे सामने आने की हिम्मत है मुझे। तो तुम्हें पता चल गया ना कि तुम्हारे सामने आने की हिम्मत है मुझे। फोन पे तो बहुत बोल रही थी, अब क्यों बोलती बंद हो गई?